ये हमारे प्रवीण कौशिक, पूरा गांव इनको जुगनू कौशिक के नाम से जानता है और मैं इसको स्टाइलिश बोलता हूँ अक्सर। कल आपने एक मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भेजा था, एक कहानी भेजी थी छोटी सी, बड़ी दुख भरी कहानी, आंसू निकले आए थे। वो अलग बात है कि वो आंसू हंसते हंसते निकले थे। वो कहानी पर बताओ क्या थी, क्या कहानी है वो? एक्चुअली क्या है, ये सामने जो बैठा मेरा दोस्त संजय कौशिक, हाँ, उर्फ लंबू, हाँ, ये मेरा बचपन का मित्र है और मेरा भाई भी है। तो जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ बचपन से ही, ये और ये इनका पूरा परिवार, सभी भाई मीठे के शौकीन हैं, बहुत ही शौकीन, मतलब शौकीन इस कदर हैं कि मीठा भी इनसे घबराता है। कोई भी मिठाई हो वो इनके घर आने से इनके घर आने से डरती है कि हे भगवान, मैं इनके घर जा रही हूँ, भगवान नहीं जानता अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कल 15 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, तो भाई का मेरे पास मैसेज आया जन्मदिन की बधाई के लिए, और फिर इसने कहा ऐसे नहीं, मिलना पड़ेगा और भाई मिठाई खिलाएगा तो ही आपकी बर्थडे विश कंप्लीट होगी। तो उसके बाद से पता नहीं मेरे दिमाग में सुबह से ही एक स्क्रिप्ट मिल गई मुझे मिठाई के ऊपर, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो देखो, अपने घर में मीठा कम डाला है, दूसरों का इन्हें मीठा चाहिए ज़्यादा, चलो कोई नहीं। तो मुझे स्क्रिप्ट मिल गई मिठाई के ऊपर, तो मैंने कुछ लिखा अपने दोस्त के बारे में कि ओम स्वीट्स पर काजू की बर्फी, दो काजू की बर्फी आपस में बातें कर रही हैं। एक कहती है कि बहन मेरे साथ चलेगी, मुझे संजय के घर जाना है, जाना और आना है, कुछ काम है। तो इस पर दूसरी काजू की बर्फी बोली कि दीदी क्यों मजाक करती हो, वहाँ से कोई जाके भला वापस आया है क्या जो आप वापस आओगी, इसलिए मेरी बात मानो, आप वहाँ मत जाओ। तो दूसरी वाली कहती है दीदी देख लो, मैं आपको फिर समझा रही हूँ, वहाँ जा तो अपनी मर्जी से सकते हैं लेकिन आने का सवाल पैदा नहीं, यू टर्न नहीं है वहाँ से। अच्छा। तो कहती है नहीं, उनको वैसे ही बदनाम किया जा रहा है और वो तो भला इंसान है, नेक इंसान, तो चल मेरे साथ। तो कहती है दूसरी वाली, ठीक है दीदी आप जिद कर रही हो तो मैं चल तो दूंगी आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोली क्या? बोली मैं उनके घर नहीं जाऊँगी, पड़ोस में उनका चिमन के घर के बाहर मुझे उतार देना, 1108 में बाहर उतार देना, मैं आपका इंतजार कर लूँगी, आप वापस आ गई तो ठीक है, नहीं जो भगवान की इच्छा। बोले चल ठीक है तू मेरे साथ चल। तो जैसे ही उस घर के बाहर पहुँचते हैं तो कहती ठीक है दीदी मुझे उतार दो, आप होके आ जाओ। तो फिर कहती चल चल एक बार मेरे साथ। बोली दीदी मैं आपको फिर समझा रही हूँ, एक बार इससे पहले भी स्पंजी भैया यानी स्पंज रसगुल्ले और उनके छोटे बच्चे यानी छोटे रसगुल्ले, छैना मुर्गी दीदी, पेठा भैया, नारियल भैया, ये सब गए थे ये बोलकर कि संजय घर जा रहे हैं, पार्टी है, जल्दी वापस आ जाएंगे। आज सालों बीत गए हैं, ना तो उनका कोई सुराग मिला है ना वो वापस आए हैं। तो दीदी अब आप समझदार हो, मत जाऊँ। वो फिर भी नहीं मानी, नहीं मैं तो जाऊँगी, उसने बुलाया ज़रूरी काम। तो कहती दीदी अच्छा मैं आपको एक बात और बताती हूँ, शायद आप डर के मारे समझ जाओ और ना जाओ। इनकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ना तो ये आखिरी कोई सुराग तक छोड़ते हैं और दूसरी बात अंत में ये लोग आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछते हैं। बाकी भगवान आपका भला करे, जय श्री।